क्षेत्र नजदीक आ रहा है। बहुत दिन की योजना के बाद यह अवसर आ रहा है और आने से पूर्व में ही यहाँ के सज्जनों के द्वारा एक योजना आपके सामने आ रही है जो तात्कालिक होते हुए भी दूरगामी इसके योजना के फसल खड़ी होने को जा रही है। वैसे वर्षों से यहाँ की जनता अपने पास आई है, 3-4 चतुर्मास मुक्तागिरी में संपन्न हुए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है महाराज वो तो मध्य प्रदेश था, हम मध्य प्रदेश वासी नहीं है, महाराष्ट्रवासी है। जय गुरुदेव। फिर भी लाभ तो आप महाराष्ट्र होकर के भी मुक्तागिरी के 3-4 के ले चुके हो, इसको याद रखना है। और वो भी ऐसे 4 हुए हैं पूरे महाराष्ट्र को ही, उधर 3-4 रामटेक में हो चुके हैं, वो मध्य प्रदेश को नहीं था। तो इस प्रकार 6-7 आम के चातुर्मास संपन्न महाराष्ट्र झालेले आहे, लक्षात ठेवा। कली सोचता रहा इनको अब क्या कहें, लाभ तो ले लिया दूसरे के थाली के भी, और अभी सामने बैठे हैं लाइन लगा करके। बहुत अच्छा, यह योजना इस राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक प्रकार से मंगलाचरण का रूप धारण कर ले, और इसी प्रकार इसका अनुकरण यत्र तत्र सर्वत्र सभी राज्यों में जो एक प्रकार से अकाल जैसा पड़ता जाता है तो किसान भी चिंतित हो जाता है, स्वाभाविक है, हमारे मन में आता है, औरों के भी मन में आता है, लेकिन यहाँ अकाल न पड़े और सुभिक्ष सर्वत्र हो, इसके लिए आप लोगों को कमर कस करके अपना योगदान दे देना चाहिए। यहाँ केवल बच्चों का ही नहीं किंतु एक धर्म प्रवाह का है, और धर्म प्रवाह के लिए यह एक आवश्यक है। आप अपने परिवार को, अपने गांव को, आदि आदि को दृष्टि में रखते हैं, किंतु धर्म संस्कृति की अपेक्षा से भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से जैसे किसान को बीज बोता है, बोना उनको तो होता ही है, लेकिन यदि ऊपर का पानी नहीं आता है तो वृक्ष के स्थान पर जमीन होते हुए भी वहाँ दुष्काल पड़ जाता है। धर्म के विषय में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे यदि ऐसा करेंगे निश्चित रूप से यहाँ पर वृक्ष हो,
सुभिक्षु होगा उसके योग्य आप लोग संस्कारों को तैयार करेंगे और बच्चों को भी इस ओर आकृष्ट करेंगे और राजवासी तो है ही किंतु राष्ट्र को चाहने वाले भी यह कहेंगे कि हाँ यह हमारा सब लोगों का कर्तव्य है। कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। कर्तव्य में प्रमुख यही है कि हम संस्कारों को जीवित रखेंगे, निश्चित रूप से राष्ट्र का भी कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय।